तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप आसमान को देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत कुछ इमेजिन करते थे, तो वही बालकनी में खड़े खड़े अपने बचपन को याद कर रहे हैं और अपने आप ही खुश हो रहे हैं। प्लांट्स को देखे ना मन बहुत खुश हो जाता है ना। इसीलिए मुझे ग्रीन कलर शायद इतना अच्छा लगता है। और आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड ने पूछा है कि हाइबिस्कस का टेक केयर हम लोग कैसे करते हैं, तो वो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी स्पेशल ब्लॉग पे। तो वो डिटेल्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का जो बर्तन है उसको मैं अभी सही सही जगह पर रख रही हूँ। और कृति का ये वाला कप उसका फेवरेट कप बन गया है, तो उसको इसी में मिल्क पीना है। तो वह मैं इसको मिल्क दे रही हूँ। वो हॉल पे है, टीवी देख रही है, क्योंकि उसका अभी नीचे प्ले करने जाना बंद हो गया है। साइकिलिंग भी मैंने बंद करके रखा है 2 वीक के लिए। सो अभी एक्चुअली फिर से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है बैंगलोर पे, और अभी हम लोग बना रहे हैं चाय, क्योंकि चाय पीना है, इसी से स्टार्ट होगा हमारा इवनिंग। और दिया करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि रात के खाने की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वही मैं आज बनाऊँगी दाल, तो इसके लिए दाल को मैं बॉईल करके रख दूँगी और साथ में रोटी बना लूँगी। और मैं धारा का कच्ची घनी मास्टर ऑयल यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छा है और बहुत कम यूज़ करना पड़ता है इसको, तो उसमें भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं ऑयल कंटेनर ये वाला यूज़ करती हूँ, इसमें मेज़रमेंट दिया रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने इसकी रिव्यू के बारे में पूछा था, तो मैं बोलूँगी ये काफ़ी अच्छा है। इसका जो होल है ना, इसी से मैं ऑयल को ऐसे डाल देती हूँ, तो इसके लिए पूरा जो कैप है उसको ओपन नहीं करना पड़ता है, और इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यूज़ करके। अगर आप चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, जब मैं ऑयल को डालती हूँ तो थोड़ा सा ऑयल बाहर से मतलब निकलता है, तो इसके लिए जब भी मैं ऑयल डालती हूँ तो टिश्यू से उसका बाहर का हिस्सा जो है अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि जहाँ पे मैं ऑयल को रखूँगी कंटेनर को, वो जगह ऑयली ना हो। तो इस तरह से मैं उसको मेंटेन करती हूँ। और दोपहर में मैंने बनाया था आलू चोखा, तो इसी से मैं स्नैक्स बनाऊंगी, जो कि बहुत ही यम्मी वाला स्नैक्स होने वाला है। तो इसके लिए मैं कट कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, और साथ ही साथ थोड़ा सा चिली भी मैं कट करूँगी। बट ऑनियन जो है उसको मैंने ऑयल में फ्राई करके ऑलरेडी पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है, तो उसका तो झंझट नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोरिएंडर लीव्स को ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ कुछ मसाले मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं, जैसे कि थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और यहाँ पे चिली को मैं कट कर रही हूँ एकदम बारीकी से। थोड़ा सा स्पाइसी तो होना ही है चाहिए, नहीं तो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक ही चिली ऐड किया है, तो इस तरह से चिली ऐड करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ से।
और यहाँ पे मैं ब्रेड ले रही हूँ, ब्रेड का साइड का जो पोर्शन है उसको कट कर दूंगी। बच्चे का जो खाना होता है ना वो टेस्टी होने के साथ साथ उसको दिखना भी अच्छा चाहिए, तो इसीलिए मैं ब्रेड को, आप देख सकते हो साइड का पोर्शन मैंने कट कर लिया है। अभी इसमें मैं स्टफिंग डालूंगी और इस तरह से स्टफिंग डाल के मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो आलू की जो स्टफिंग है उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा उसको यम्मी बनाने के लिए थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर से चीज़ ऐड कर दूँगी और उसके बाद थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा मिक्स है उसको ऐड कर दूँ, क्योंकि कृति को बहुत पसंद है। बच्चे वैसे भी पिज़्ज़ा के नाम पर तो खुश हो ही जाते हैं, कृति को इतना पसंद नहीं है, बट सैंडविच उसको बहुत पसंद है। और सैंडविच के साथ साथ मैं बनाऊंगी ब्रेड पकोड़ा और ब्रेड चॉप। तो इसके लिए मैंने ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टफिंग है उसको मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और इसके ऊपर डालने के बाद दूसरा जो पोर्शन है उसको मैं कवर कर दूंगी। अगर कवर करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा पानी का यूज़ आप कर सकते हो, इससे क्या होता है ना ब्रेड एक दूसरे से चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है। और ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड का साइड का पोर्शन कट कर लिया है और उसके बाद ब्रेड को पानी में अच्छे से सोक करने के लिए डाल दूंगी, और उसके बाद जब पानी सोक लेगा तो उसको पानी को निकाल दूंगी, जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल दूंगी। और उसके बाद स्टफिंग को डाल दूंगी, और जैसे हम लोग पराठे बनाने के टाइम स्टफिंग डालने के बाद उसको मोड़ते हैं ना, उस तरह से इसको मोड़ दूंगी। तो पकौड़ी का शेप कुछ इस तरह का आएगा, और साथ ही साथ मैंने साइड में ले लिया है बेसन, थोड़ा सा सॉल्ट, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और उसको मैं धीरे धीरे मतलब कम पानी करके ना मैं उसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं है। सो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बेसन का जो बैटर है वो मेरा रेडी हो गया है, और ब्रेड जो चॉप है उसको बनाने के लिए मुझे बेसन चाहिए, तो इस तरह से मैं ब्रेड के ऊपर बेसन को मिक्स कर दूँगी और इसको डीप फ्राई कर लूँगी। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी टेस्टी लगता है, और इस तरह से उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहले फुल फ्लेम में ऑयल को गर्म कर लेना है, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा कम करके इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि अंदर का पोर्शन अच्छे से फ्राई हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ब्रेड चॉप जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी मैं ब्रेड पकौड़ा रेडी करूँगी, और ब्रेड पकौड़ा के लिए इसको मैंने बेसन में नहीं डाला है, जस्ट ऐसे इसको फ्राई करना है, और इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका बाहर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ब्रेड पकोड़ा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और जो ब्रेड चॉप मैंने बनाया ना उसको इस तरह से मैं कट कर लूँगी, और कट करने के बाद मैं कैचअप ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, तो इस तरह से ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, और थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा अगर क्यूकम्बर ऐसे बारीकी से कट करके आप ऐड कर सकते हो तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मेरा आज का यम्मी वाला इवनिंग स्नैक्स रेडी है। दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है सही में। तो इस तरह से बचे हुए खाने से बहुत ही यम्मी सा इवनिंग स्नैक्स मेरा आज बन गया है, और बस इसी तरह से हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ, और दाल तो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया है, उसको जस्ट तड़का लगाना है और मेरा डिनर भी प्रिपरेशन हो जाए।